हरदोई में 5 दिनों से लापता 14 साल के बच्चे की लाश गन्ने के खेत में काफी बुरी हालत में पाई गई। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। जानकारी के मुताबिक मासूम के मुंह में कपड़ा ठोस कर कुकर्म किया गया और गला घोट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। घर से लिवाई लिया वहाँ मढ़िया पर गन्ने के मढ़िया पर लिवाला दारू दारू पिलाई और फिर ले गया गन्ने के खेत में। इसके साथ गलत काम किया है और फिर मुँह में गूंजा लगा के दिया, फिर इसको मार के फिर भाग गया। ये उवेश पुत्र राजपाल बकरिया के निवासी थे और दिनांक 13/12/17 से जो है ये गायब थे। थाने पर इनके संबंध में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था और इनकी तलाश की जा रही थी और कल सूचना मिली कि इनका खेत गन्ने के खेत में जो है इनका शव पड़ा हुआ है जिसको कुछ जानवरों ने नोच डाला है। इस सूचना पर पोस्टमार्टम कराया गया और परिजनों से पहचान कराई गई तो शव जो है वो उवेश का पाया गया। अभी तक की प्रारंभिक जानकारी के हिसाब से जो तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये है कि महेश और रोहित जो बकरिया के ही रहने वाले हैं, ये 2 लोग उस लड़के को ले गए थे और उसको उसके साथ दुष्कर्म किए। दुष्कर्म करने के बाद से उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा शव का पंचायतनामा करा कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।